ओह फक भाई साहब ये लो। क्या काम भाई साहब? फोन गिर गया। जब भाई साहब क्या हो रहा है ये? मेरे को लगता है मैंने जो ये नया आईफोन बुक करा दिया है ना, ये इसलिए हो रहा है। मैंने एक्चुअली आईफोन 13 प्रो 256 GB बुक करा दिया है। तो ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल ट्रिप है, एक इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान हो रही है। पहले एक मेन चैनल की वीडियो होगी। सो व्हाट्स अप गाइस, सारे वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, दिस इज द डेली व्लॉग 1। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो भाई आज का सीन थोड़ा ऐसा है, मैं सुबह सुबह उठा और मैं जिम गया, और मेरे को जिम पहुंच के पता लगता है कि आज विश्वकर्मा डे है और आज जिम अपना बंद है। तो जितने भी मेरे को लगता है जिम इंडिया में होंगे ना, वो सारे के सारे बंद होंगे। कुछ एक आधे होंगे जिन्होंने खोल रखा होगा, बट 90% जिम बंद है। यार मच्छर क्यों काट रहे हैं? जो लोग पिछले ब्लॉग से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता होगा कि मैं लद्दाख गया था, और लद्दाख जाने से पहले मेरा वेट 80 था पूरा ना। तो मैं लद्दाख से वापस आया, दिल्ली गया, एक दो हफ्ते वहाँ भी रहा, खाया पिया, मतलब ओवर नहीं खाया पर लिमिट में खाया, बाहर का खाया, लेकिन वो होता है ना कैलोरी इनटेक में, मतलब जितना खाया उतना बर्न किया। तो भैया जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ना, वो ये है कि जो अपना वेट है ना, वो 80 ही है। रात को ना अपने साथ पता है क्या हुआ, मैं घर तो आया, मैंने बाइक चलाई थी और ये बाइक अपनी ना बाहर की बाहर ही खड़ी रह गई है। तो अब जाके बाइक अंदर करूँगा, मतलब पूरी रात बाइक बाहर खड़ी रही। एक्चुअली ना इस बाइक का मेरे को ना थोड़ा डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक बार मेरी चाबी खो गई थी और मेरे को पता है मेरे चाबी बनाने में क्या तोते उड़े थे। भाई रंग देख रहे हो, मतलब भाई साहब इतना बढ़िया रंग हो गया ना, इतना कैड़ा रंग, मतलब रोड पे जब चलते हैं ना तो उफ़ भाई साहब ये लो। काम सब क्या हो रहा है ये? मेरे को लगता है मैंने जो ये नया आईफोन बुक करा दिया है ना, ये इसलिए हो रहा है। मैंने एक्चुअली आईफोन 13 प्रो 256 GB बुक करा दिया। तो मैं आपको बता दूं, एप्पल ने ना थोड़ी पॉलिसी चेंज करी है। पहले क्या होता था कि आप फोन लेते थे तो आपको एक महीने बाद मिलता था, अब क्या सीन हो चुका है, लॉन्च हुआ अब सर, जैसे अभी 2-3 दिन से बुकिंग हो रही है, मैंने तो बुकिंग करा ली थी, जाके बुकिंग कराई और अब 24-25 तारीख को जिस दिन रिलीज़ हो रहा है उसी दिन आपको फ़ोन मिल जाएगा। मैंने सबसे पहले बुक कराया तो मेरे को सबसे पहले लॉट में मिल जाएगा। और भाई इसके तो तोते नहीं उड़े, बच गया भाई, तुम्हारे तुम लोगों के सामने गिरा। और सोचो मैं ना अपने फ़ोन में टेम्पर्ड नहीं लगाता। ATM आए हूँ और ATM में ना बहुत ही लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ और आप लोगों से ना थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। तो यार देखो आजकल ना मतलब हर बंदा चाहता है जो उनका फ्यूचर है ना वो सिक्योर रहे, तो अब फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हर बंदा सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। अब ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, पर भाई जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट करे तो करे क्या, मतलब कहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ पैसा डाल रहा हूँ, तो मेरे को यार ये तो एश्योरिटी रहनी चाहिए ना कि जो ये प्लेटफॉर्म है या ये चीज़ है ये सिक्योर है। तो भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो? तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली इन्वेस्ट करता हूँ बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसीज में। तो अब मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? मैं इन्वेस्ट करता हूँ कॉइन स्विच कुबेर के थ्रू, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऐप है और आपको पता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऐप है, फास्ट है, सिक्योर है और ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है, वो भी इंडिया की। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इंडिया भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है। और भाई साहब जो इसका UI है ना वो इतना ज्यादा सिंपल है, मतलब पता क्या लगता है, ऐसा लगता है कि आप ना खाना ऑर्डर कर रहे हो। और इस पे ट्रेड करना बहुत आसान है, पैसे विड्रॉ करना बहुत आसान है और इस पे आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपको किसी भी चीज की हेल्प होना तो इनका जो सपोर्ट है वो 24/7 अवेलेबल है। तो गाइस किस चीज की वेट कर रहे हो, फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जाके डाउनलोड करो कॉइन स्विच कुबेर, इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप, और पाओ बिटकॉइन वर्थ 50 एब्सोल्युटली फ्री। सो मेक अ स्विच विद कॉइन स्विच कुबेर, तो अभी जाओ और जाके डाउनलोड करो। बाकी मैं जाता हूँ भाई साहब पैसे विड्रॉ करने, जो पैसे इन्वेस्ट करे और आए हैं उनको विड्रॉ भी तो करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मेरे पीछे देख सकते हो जो नीचे की हालत है ना, मतलब जो जैसे मेरे रूम से बाहर निकलते इस साइड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। और मैंने आप लोगों को कमिट करी थी कि जैसे ही मेरा वेट 75 होगा मैं यहाँ की वापस से कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। तो अभी मेरा वेट 80 हो चुका है, तो अब इस महीने मतलब तुम लगा लो 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक मैं प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट पे जा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा वेट लूज कर सकूँ करूँ, प्रॉपर डाइट फॉलो करूँ, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करूँ, जिम जाऊँ। तो अब मैं बिल्कुल 30 दिन रेगुलर जिम जाने वाला हूँ और 30 दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं 30 के 30 दिन ना व्लॉग्स भी करूँ। तो भाई जैसे ही 75 हो जाएगा वेट यहाँ पे ना, तब हाई सीन हो जाएगा।
भाई मैं ना इससे ये सवाल पूछ रहा था, मैंने कहा भाई तू ये इतनी महंगी जो ये एप्पल वॉच पहनता है 50-60 हज़ार रुपए की, जो इसने ये हाथों में ही मतलब इसके हाथों में ही लगी रहती है, सोए उठते मतलब जो भी घर है ना बनाते उतारता है, तो मैंने ये क्यों है भाई, मतलब या देखो या तो मैं इससे इसके यूज पूछूं, क्योंकि भाई ये अगर ये पहन के घूम रहा है कुछ तो रीजन होगा, देखो अगर शो ऑफ का रीजन है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं लेने का, लेकिन अगर कोई बेनिफिट हो कि थोड़ी कमाइयां बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो मेरे को बताओ क्या बेनिफिट है इसका। मैं ऑलमोस्ट एक्टिव पे चलाता हूँ, एक्टिव चलाता हूँ ठीक है, अब भाई वहाँ जाम है, मैं फोन निकालू उससे बड़ी यहाँ पे देख ले किसका फोन आ रहा है, मुझे फोन उठाना है, यहाँ से क्लिक करा एयरपोर्ट लग रहा है कि हाँ जी हेलो आवा बात हो गई, अब नहीं उठाना यहीं से देख लो किसका फोन है, यहीं से क्लिक करके काट तो दिया। ये इस तूने इस काम के लिए 50,000 भाई, और वो भी बताओ 50,000 नहीं खर्चे, 1.5 लाख खर्चे, ये एयरपोर्ट तो खो चुका है, 2 बार अपनी एप्पल वॉच खो चुका है, 18 प्रो ले लिया इसने, 18 प्रो 12 प्रो लिया वाइट, अब मैं 13 लूंगा नहीं, मैं 7 सीरीज सोच रहा हूँ, तेरा ब्लू आ रहा है ना, मैं कह रहा तू भी ले ले वॉच ब्लू कलर की। मैं ना अभी ना पहले यूज देखता हूँ, मतलब अगर मेरे को लगा कि मेरे को कोई उस चीज की यूज है तो गाइस कमेंट करके बताओ, आप लोग ही बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ना एप्पल वॉच का बड़ा शौक होगा, तो ये एप्पल वॉच अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत, अरे वैसे अरे यार चुप, कोई दिक्कत बजट की वाली दिक्कत नहीं है, मेन है कि यूज होना चाहिए, अगर चीज का यूज नहीं है तो मेरे बजट में नहीं है, अगर यूज है तो मेरे बजट ही बजट है। अगर आपको साहेब का डायलॉग याद होगा, अपने को नहीं टेंशन बाप की आ रही पेंशन, पर यहाँ बाप की पेंशन नहीं आ रही, यहाँ खुद ही यहाँ खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। बट नहीं मैं देखती हूँ, मेरे को पहले बोलता ना एयरपोर्ट का क्या यूज है भाई, तू एयरपोर्ट क्यों यूज करता है भाई, नो डाउट भाई, मैं एक बात बोलूं भाई, कोई बंदा जो मर्जी बोलता रहे, जो कम्फर्ट जो आवाज एयरपोर्ट की है ना वो एयरपोर्ट की है भाई, ये चीज है भाई, नो डाउट। और भाई लिटरली जैसे काम कर रहे होते हैं तो भाई जैसे फोन यूज कार चला रहे हैं कुछ कर रहे हैं, फोन पे बात करनी हो क्लिक करा हो गया, अब मैं तेरे को अपने आई वॉच दूंगा, तू आज 3-4 दिन पहनी हो तो पता, आप 4-5 दिन पता क्या बोलेगा, रमन बर्थडे है भाई मैं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसी इसमें स्टेप्स टू कैलकुलेट हो जाते हैं, सब कुछ होता है ना, कैलोरीज वगैरह सब कुछ, कितना तुम दिन में कितना भागे हो, हेल्थ सब कुछ यार सब। अच्छा भाई ले लें फिर एप्पल वॉच ले लो, तो गाइस अभी ना करते हैं फिर प्लान करते हैं कि ये जो एप्पल वॉच है ना ये लेनी चाहिए, ब्लू कलर की मैं देखूंगा भाई, अभी अभी नहीं भाई, पहले भाई आईफोन लेना है, साला मैकबुक प्रो लेना है, कैमरा लेना है, पहले ये खर्चे कर ले उसके बाद ये थोड़ा बहुत कमा लेना भाई। तो यहाँ ना रमन की एक ब्रांड की वीडियो बन रही है और हमारी ना यहाँ पे हंसी नहीं रुक रही है, पता नहीं क्यों, पहली वीडियो मिली है उसमें भी, चलो 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 सीरियस चलो, 1 2 हाँ जी विक्रम जी, विक्रम जी मैं आपको थोड़ी देर में लोड के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है जी, ओके बाय। और राज भाई कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ यार, मेरा ना एक लोड गया है कोचिंग, अब दिक्कत ये है कि वहां से ना अनलोड होके ना आ जाए, तेरी कोई जान पहचान है क्या? भाई पहचान का तो पता नहीं, पर आपने ब्लैक बर्ड अब मैं तेरी फाड़ दूंगा, मैं बता रहा इसको इतनी मुश्किल से तो मैं बिना हंसी के मैंने तो ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल ट्रिप है, एक इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान हो रही है, पहले एक मेन चैनल की वीडियो होगी उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप होगी, तुम्हारे भाई ने अटैचियाँ खरीद ली हैं, क्योंकि भाई मैं सही होता हूँ, मैं सिर्फ एक ही जगह इंटरनेशनल गया हूँ चाइना, और मैं ना ट्रैवल करना चाहता हूँ, मतलब मेरा मन करता है कि यार अपना मेरा मन करता है कि थोड़ा ना अब्रॉड ट्रैवल करें, आप लोगों भी ट्रैवल करें, क्योंकि यार अपना ना प्रोफेशन है साहब, देखो मेन चैनल पे एक वीडियो करी उसके बाद तुम्हारे भाई ने करने हैं व्लॉग्स, तो भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल, कहीं भी अच्छी खासी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मेरा प्लान बना था ना, वो बेसिकली इस्तानबुल का बना था, बहुत सारे लोग गैस मार रहे थे दुबई का, मेरे को किसी ने बताया कि जो इस्तानबुल है, इस्तानबुल इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल ब्यूटी, तो मतलब मेरा बेसिकली टर्की जाने का मन था, टर्की एंड इस्तानबुल इज सेम, अभी मैं बोलना इस पहले इस्तान बोल रहा था अब टर्की बोल रहा, तो दे बोता सेम, बाकी जाने का प्लान तो एक दो हफ्ते में ही था, बट इशू वहां पे ये है कि अगर मैं इस्तानबुल जाता हूँ ना वहां पे मेरे को एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो भाई अभी मैं वो नहीं करना चाहता, तो जैसे ही उनकी पॉलिसी चेंज होंगी उसी समय तुम्हारा भाई इस्तानबुल भाग जाएगा। तो पहले मेरा प्लान ये था कि जब मैं इस्तानबुल जाऊंगा ना तो वहां से आते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट करा लूंगा दुबई की, और दुबई में 2-3 दिन रुक जाऊंगा, और 2-3 रुकने के बाद क्या करूंगा, आईफोन लूंगा, बट फिर उसके बाद ये सारा प्लान थोड़ा पोपट हो गया बिकॉज ऑफ दैट क्वारंटाइन वाला सीन, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आईफोन यहीं से बुक करा लेते हैं, और 2 दिन पहले मैंने आईफोन बुक करा लिया, मेरे को पता है 17-18 तारीख से बुकिंग स्टार्ट है, बट यार अपने जो एप्पल स्टोर वाले देहरादून में ना वो लोग बुकिंग ले रहे थे, तो मैंने करा दी, 5,000 रुपए मैंने अमाउंट दे दिया, 13 प्रो
256 GB तुम्हारे भाई ने बुक करा दिया। बाकी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि यार ये जल्दी से आए। बाकी यार जो भी हूं ना, आज आप लोगों के चक्कर में हूँ भाई। तो यूट्यूब ने मतलब इतना सपोर्ट दिया ना कि मतलब जितने भी मेरे ड्रीम्स है ना, चाहे मैंने कार लेनी हो, रूम बनाना हो, कुछ भी करना हो, वो पूरे किए। और साथ ही साथ जो मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ उसने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो अगर आप मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा ऑनलाइन बिजनेस का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड गाइस ऐसी सपोर्ट करो, प्यार करो। आई लव यू।